कल्चर ब्लॉक में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं ममता उत्तराखंड देवभूमि से लेके आई हूँ फिर से आपके लिए नया ब्लॉग। तो ब्लॉग शुरू करने से पहले सबसे पहले आप सभी लोगों को बैसाखी मेले की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से बैसाखी मेला स्टार्ट हो चुका है, आज और कल दो दिन का वो होता है। तो आज पहला दिन है, आज से वो स्टार्ट हो चुका है। हम तो आज जाएंगे नहीं क्योंकि हम कल जा रहे हैं। तो कैसे हैं आप सभी लोग, आशा करते हैं कि सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और हम भी एकदम मस्त हैं। तो दोस्तों आज की ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे घर से, अभी मैं घर में ही हूँ और इसके बाद हम जा रहे हैं खेतों में या गाँव में। जौ की फसल की कटाई शुरू हो चुकी है तो हम भी जा रहे हैं जौ की फसल को काटने के लिए। दिखाते हैं आपको कि किस प्रकार से जौ की फसल काटते हैं और हम गांव में उसको उसके पुल हुल बनाते हैं। तो दिखाते हैं आपको कि कैसे जौ की फसल काटते हैं। तो मेरे ब्लॉग में एंड तक बने रहें। किस प्रकार की फसल हमारे गांव में होती है मैं आपको पूरा बताऊंगी तो ब्लॉग में। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और हम जा रहे हैं खेतों में जौ की फसल काटने के लिए। तो एक बार मैं आपको हल्का सा बता दूँ आज का नज़ारा सुबह का। और ये वाली है मेरी दरांती। तो दोस्तों मैं खेत में पहुंच चुकी हूं और ये बहुत सारे खेत है, ये जौ के खेत। तो दोस्तों मैं खेतों में पहुंच चुकी हूं और ये जितने भी खेत दिखाई दे रहे हैं सारे खेत गेहूं के हैं। कुछ कुछ इनके बीच में जौ के खेत भी हैं जो पक चुके हैं, वो जौ के खेत हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छा दिख रहा है, हरे भरे सारे एकदम। तो दोस्तों फाइनली मैं खेत में पहुँच चुकी हूँ और ये हमने कल का काट रखा है यहाँ से, और ये हरे हरे वाले जो हमने छोड़ रखे हैं यहाँ पर काट रही है नीतू। तो यहाँ पर काट रही है नीतू जो काट रही है, ये देखिए कैसे कि ये काट रही है मैं आपको बताऊंगी। इसने इसने काट दिए हैं और इनके अब ऐसे के पुल बंद हैं, घर में ले जाने तक घर में बनाएंगे इनकी मुट्ठी। और वो हमने कल का काट रखा है, ये जो दिखाई दे रहा है ये हमने कल का काट रखा है और ये हरे हरे हमने छोड़ रखे थे। दोस्तों हम जौ के पुल को घर में ला चुके हैं और घर में इसकी इस तरह से मुट्ठी बनाते हैं। ये देखिए ऐसे के उसकी मुट्ठी बनाते हैं हाथ में और फिर उसकी पुल उसके पुल बांधते हैं। देखिए अभी मैं बना रही हूँ मुट्ठी। तो दोस्तों ऐसे के मुट्ठी बनाते हैं और फिर उसे ऐसे बांधते हैं और उसके बाद उसके पुल बनाते हैं। तो लग गई हूँ मैं फिर से अपने काम पे।
और अब मैंने ये रितु है मेरी भाभी की लड़की रितु को भी मूठी बनाने के लिए बुला दिया है। ये भी कर रही है थोड़ी बहुत मेरी हेल्प। और दूसरी लड़की भी है पर वो पता नहीं कहाँ हो गई है गुड़, तो अभी यही बना रही है मेरे साथ मुट्ठी। और तो देखिए दो मुट्ठी इसने बना दी है बोल रही है। और इतने जो मैं लाई थी खेतों से ऐसे कि उनके पुल बांधे हुए थे और इतने जो ला रखे थे थोड़े के बना दिए हैं मुट्ठी। ये देखिए इतने के हमने मुट्ठी बना दी है। और ये दूसरी वाली लड़की आ गई है इसमें सोनी, और सोनी आर की है इसमें मेरे साथ मुट्ठी बनाने के लिए। तो वो बोल रही है कि मुझे भी निकाल, तो उसकी वीडियो मैं बना रही हूँ इसलिए वो मेरे साथ काम कर रही ताकि मैं उसकी वीडियो बनाऊँ। तो देखिए कैसे कि ये बना रही है स्टाइल मार मार के ये बना रही है कैमरा में देख देख के कि किस प्रकार से मैं बना रही हूँ। वैसे इन्होंने मेरी बहुत हेल्प कर दी है। तो हमारी जो मुट्ठी है वो हो चुकी है कंप्लीट। और ऐसे कि उनके पुल मेरी मम्मी ने उल्टे कर रखे हैं और दूसरे वाले चौक में ले जाने हैं उसे, तब उसे हम सुलटे कर देंगे। और एक कंडे में घास इतना घास हुआ था। तो दोस्तों अभी तक हमने जो हमने जो लाया था खेतों से उसकी मुट्ठी बनाई, ऐसे के उसकी मुट्ठी बनाते हैं आपने ब्लॉग में देख लिया होगा। और उसके बाद ऐसे के उसके पुल बांधते हैं क्योंकि पुल मेरी मम्मी ने ये बांध रखे हैं। ये देखिए ऐसे के इसे बांधते हैं और धूप में सुखाने डाल देते हैं। सुखाने के बाद उसे काटते हैं और फिर कूट के ऐसे हो जाते हैं। ये हमने एक बार का कूट रखा है पहले का। तो ये ऐसे के मतलब इनके जो बीज होते हैं इनको उनसे अलग कर देते हैं ऐसे। ये देखिए इतने जो हमारे पहले के हो चुके हैं, थोड़ा सा ये है और थोड़ा सा ये है, और बस ये लास्ट वाला है। इसको हम परसों को कूटेंगे क्योंकि कल तो हम मेला देखने जाने वाले हैं, तो परसों को इसे कूटेंगे। और थोड़ा सा ये है नीचे, ऐसे ही पुल हमने ला रखे थे खेतों से। और दोस्तों एक बार मैं आपको बता दूं दिन में गांव का नज़ारा किस प्रकार का बना हुआ है। ये देखिए कुछ इस प्रकार का नज़ारा बना हुआ है। ये थोड़े थोड़े बादल भी आए हुए हैं आसमान में, देखिए। और ये भाभी जी काट रही है जो ए वो आप घाम नहीं लागणो घाम नहीं लाग। ये भाभी जी ने बना रखे हैं यहाँ पे जो के फूल इतने सारे। और ये हैं हमारे प्याज, इतने बड़े बड़े प्याज मतलब प्याज के पौधे हो चुके हैं। अब इसको कैसा लगा दोस्तों आपको मेरा ब्लॉग? अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि ब्लॉग कैसा बना हुआ है, कुछ ना कुछ तो कमेंट ज़रूर करें, पर नेगेटिव कमेंट कोई मत कीजिए। ब्लॉग बनाने में बहुत सारा टाइम लगता है और यदि हम ब्लॉग बना भी रहे हैं आगे को तो नेगेटिव कमेंट बिल्कुल ना करें। नेगेटिव कमेंट में ये होता है कि मतलब थोड़ा बेकार सा लगता है, तो नेगेटिव कमेंट ना करें, पॉजिटिव ही कमेंट करें। तो दोस्तों आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा? अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मिलते हैं आपको कल के ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग आपको पता है कि कौन सा आने वाला है, गैरसन मेले का ब्लॉग नेक्स्ट आने वाला है। तो मिलते हैं आपको मेले के ब्लॉग में, और तब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। बाय बाय।